तो ये है शीतला सप्तमी रेसिपी नंबर 4, दही बड़े। तो हमने मूंग की दाल और उड़द की दाल ले ली है, रात भर भिगो के उसे ग्राइंड कर दिया है, उसमें सोडा डाल के अब हम इसके बड़े बनाएंगे। तो बड़े हम हाथों से ही बनाएंगे, इस तरह से आपको हाथों से बनाने बड़े। और इसको फ्राई करना है ऑयल में, और सबसे पहले तो इसको इसकी आँच तेज़ी रखेंगे, उसके बाद जब ये थोड़े से पक जाएंगे तो इसकी आँच कम कर देंगे, क्योंकि अंदर से अच्छे से पक जाएंगे। और इसको हिलाते रहना है इस तरह से ताकि चारों तरफ से अच्छे से ये तल जाए, और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलना है। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो हमारे बड़े तल चुके हैं, अब इसको क्या करना है कि पानी में इसको डाल देना है। तो पानी में डालने से ये होता है कि बड़े जो है वो सॉफ्ट रहते हैं। तो बस इसी तरह से आपको तुरंत ही निकाल के और पानी में डाल देना है। तो हमारे सारे बड़े रेडी हो चुके हैं, इस तरह से आपको पानी में डाल के रखना है इसे। अब हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। तो पुदीने की चटनी के लिए हमें चाहिए पुदीना, उसके अंदर हमने डाला है लाल मिर्च और नमक, जीरा, इमली का पल्प, और इसके अंदर हम थोड़ा सा अब गुड़ डालेंगे। ये खट्टी मीठी चटनी है और खाने में बहुत अच्छी लगती है, दही बड़े के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। और दही बड़े में इमली की चटनी भी डालते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको ग्राइंड करने के बाद हमारी चटनी रेडी हो चुकी है पुदीने की। तो सारा सामान रेडी है दही बड़े के लिए। तो ये है दही, इसे थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ी सी पीसी हुई चीनी डाल के इसे ग्राइंड कर दिया है। ये है बड़े, इसका सारा पानी निकाल के इसको रख दिया है। ये है भुना हुआ जीरा, तवे पे आपको सेक देना है इसे और पीस लेना है। ये है हमारी पुदीने की चटनी, ये है इमली की चटनी, सॉरी मैं इसका वीडियो बनाना भूल गई, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इसकी रेसिपी। और ये है लाल मिर्ची, ये है नमक। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो अब हम बड़े लेंगे जिसका पानी हमने निकाल दिया है सारा, इसमें अब हम डालेंगे पुदीने की चटनी। तो थोड़ी सी पुदीने की चटनी, थोड़ी सी इमली की चटनी। अब हम इसमें मिलाएंगे दही, दही बड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, और आप भी ज़रूर बनाना। अब थोड़ी सी और इमली की चटनी ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, भुना हुआ जीरा, और बस हमारे दही बड़े रेडी है खाने के लिए। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, प्लीज़ बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब